अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारी जो घर में काम करने के लिए आती है बच्ची नूर, मैं उसके घर में आई हूँ। उसके अब्बू और उसके भाई किसी ज़रूरी काम से गए हुए थे कहीं ना शहर से बाहर, तो वो उसको लेने के लिए नहीं आए, तो मैं उसको छोड़ने के लिए उसके गांव में आई हूँ। और यहाँ इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, अल्लाह की कुदरत है, ये देखें। मैं वही आपसे शेयर करना चाहती थी, मेरा दिल किया कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। ये देखें कितने खूबसूरत ये नहर का ये नज़ारा है। मैं आगे लेके जाती हूँ, वहाँ पर बच्चे ना नहा रहे हैं, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे घर बने हुए हैं। आजकल शहरों में कहाँ ये चीज़ें देखने में मिलती हैं। ये परिंदों की आवाज़ें और ये गाय है, और ये देखें गाइस, ये बच्चे नहा रहे हैं नहर में। वाओ, करो करो मजे करो। मेरे हाल में ये सब आगे खड़े हैं कि वो निकलेंगे तो फिर ये नहाने के लिए जाएंगे। ये देखिए, और इसको डाइव करना भी आता है। बच्चों क्या हाल है, ठीक हो? मजा आ रहा है पानी में नहाते हुए? मजा आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? आप रोज इधर आती हो नहाने के लिए? अच्छा, तो आप भी मेरे ख्याल में आप रेडी हो जाने के लिए पानी में नहाने के लिए ना। बच्चा जरा शर्मा रहा था, तो ये देखें वो भी गया पानी में। पानी ठंडा है? ठंडा पानी है? अब कौन जाएगा? आपने भी जाना नहाने के लिए? आपने नहीं जाना? आपको डर लगता है? हाँ जी गाइस, ये देखें यहाँ बनाना, ये थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको दिख जाए सही तरह से। ये देखें बनानास लगे हुए हैं, अभी कच्चे हैं, बहुत प्यारा। ये देखें व्यूअर्स, ये चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है, और इतना प्यारा इतना खूबसूरत घोंसला है इसका। अभी अंदर से निकली है, उड़ के चली गई है। और ये देखें, ये है रेड़ा, इस पे ये अंकल बता रहे हैं कि हम पट्टे काट के तो डाल के लेके जाते हैं फिर भैंसों के लिए, जानवरों के लिए। और ये टोका है, जब लेके आते हैं तो इसमें रख के तो फिर ये काटते हैं। मैं दिखाती हूँ, कुछ कटे हुए यहाँ पड़े भी हुए हैं। हाँ जी ये देखें, और ये लगा हुआ है तंदूर, इसमें रोटियाँ लगाते हैं ये। व्यूअर्स मैं इधर आई हूँ, ये आंटी बता रही हैं कि इनके घर में आग लग गई थी, पता नहीं, वो कह रही हैं कि करंट बिजली कैसी आग लगी थी। ये देखें वो कह रही हैं कि सब कुछ जल गया यहाँ।
आगे किंज लगी थी? अच्छा फ्रंट अच्छा 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 कह रहे हैं कि बोर्ड में से करंट निकला है तो वहाँ से आग फैल गई थी, तो यहाँ आग लग गई थी, तो सारी चीज़ें ये इनकी ना जल गई थी। यहाँ कह रहे हैं कि बेड पड़ा हुआ था वो भी जल गया था। हाँ 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 ये देखिए ये पेटी भी इनकी जो है वो काली हो गई है, जल गई है। वो कह रही हैं कि सारा सामान। हाँ जी हाँ जी ये देखें व्यू, अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम फरमाएं, अल्लाह ताला इनको आसानियाँ दें और इनके हालात अच्छे करें। बहुत दुख छाँव में इतनी ठंडी हवा चल रही है और ये बकरे यहाँ चारा खा रहे हैं और आराम फरमा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह। मेरा हाथ नहीं लगा सकता किसी की है। मैं गई अपनी दादी अम्मा के जब पास गांव में उनके, तो हम छोटे थे हम भी ऐसे खेला करते थे, मुझे अपना वक्त याद आ गया, अपना बचपन याद आ गया, सारी वो यादें हमारी गांव की। फाइनली जी हम आ गए हैं नूर के घर। ये है नूर का घर, तो हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सेफली वो अपने घर में चली गई है, तो अब हम वापसी के लिए निकलेंगे। क्या हाल है, ठीक हो? ठीक हो? ओके व्यूअर्स, अब मैं वापस जा रही हूँ। जाते जाते मैं आपको एक दफ़ा फिर नहर का नज़ारा करवाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, मैंने बहुत इंजॉय किया और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। ये सब देख के मुझे अपने बचपन की याद ताज़ा हो गई और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अपना बचपन याद आ गया होगा। ये मैं ज़ूम करती हूँ, देखें वो बच्चे अभी भी नहा रहे हैं, बच्चियाँ बच्चे सब। गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ आते हैं पानी में नहाते हैं तरोताज़ा हो जाते हैं। ओके जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।